press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. My mom and my elder sister. Yours. बहुत सारे तो बचपन से, क्योंकि मेरी तीन बहनें हैं एक माँ है, तो मैं तो बड़ा ही यू नो औरतों के बीच में हूँ. और मेरा करियर जो शुरू हुआ वो भी एक यू नो एक पावर लीडिंग ने शुरू किया. इतना कहूँ सी एवरी वेयर आई सी आई स्पेशली नाउ आई सी पीपल विमेन हु आर इंस्पायर्ड हु आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. You know, it's a beautiful world to you. And can I say one thing? Yeah. Karan is one of those men who respect me so much. I've seen him respecting all the girls, all the women so much. And I'm like, hey, this is nice. I can impress kar diya. So that's really nice. Ellen! एलन है हमारी हमारी सानिया मेहवाल है हमारी यू नो जो रेस्लर हैं फोगाट सिस्टर्स हैं गीता फोगाट गीता फोगाट हाँ फोगाट सिस्टर्स फोगाट सिस्टर्स यार हिंदुस्तान में सुषमा स्वराज से ज़्यादा कौन थी जिन्होंने इंस्पायर किया वो कि उन्होंने जो 7-7 फीट के 6-6 फीट के बीच में खड़ी मैंने शेयर भी किया था वेन शी हैड डाइड पावरफुल बड़ा पावरफुल एंड आप इंडिया की बात कर रही हैं तो देयर आर लॉट ऑफ इंस्पायरिंग बी इट फिटनेस बी इट एक्टिंग बी इट यू नो पॉलिटिक्स बी इट जरूरी नहीं है कुछ हाउस यू नो वाइफ्स नहीं हैं जो कि कितना कुछ करती हैं और लोग विद रिस्पेक्ट टू यस प्रॉब्लम सब जगह है. आप यू एस जाएंगे तो उनकी अलग प्रॉब्लम है, वहाँ पर अलग प्रॉब्लम फेस कर रही है. सऊदी में तो अभी औरतों ने गाड़ियाँ चलानी शुरू की हैं आई थिंक. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद इंडिया, इट्स अ प्रॉब्लम विद ह्यूमन सिविलाइजेशन. यू नो जो ह्यूमन्स हैं वो अगर औरतों को यू नो एक फेयर सेक्स समझते हैं और उनको लगता है कि आदमी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो जो सारी प्रॉब्लम है यहाँ से स्टेम करती है. ये ईगो इशूज हैं, ये जो औरतों को कंट्रोल करना चाहते हैं या इनको नीचे दिखाना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हर जगह है और वो सॉर्ट होनी चाहिए. मैं यू नो प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू यू नो पढ़ रहा था सुन रहा था ऑन अ पॉडकास्ट एंड उन्होंने बड़ी प्यारी सी चीज़ बोली एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन प्रियंका एंड शी इज़ रियली रियली इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ वुमेन. तो वो बोले थे कि आप यू नो बायोलॉजिकली बन जाओ, हम आपके साथ स्ट्रेंथ में कंपेयर नहीं कर यू नो कम्पीट नहीं कर रहे, हम हर चीज़ में कम्पीट कर रहे हैं. सो ये चीज़ें जो है ना ये हटनी चाहिए. हिंदुस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स हैं बट ये एक मैक्रो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम है. हमें अपने घरों में लड़कों को बताना पड़ेगा कि नहीं इट्स नॉट ओके टू बीट योर सिस्टर, नहीं इट्स नॉट ओके क्योंकि तुम लड़की हो तो तुम्हें चीज़ मिल जाएगी और तुम्हारी मेहनत नहीं मिलेगी. ये वहाँ से जब स्टेम होना ठीक होगा ना तो ही ये लड़के जो हैं स्कूल फिर कॉलेज और फिर सोसाइटी में वही एटीट्यूड लेके जाएंगे. सो आई थिंक पेरेंट्स रियली नीड टू डू दिस यू नो इंस्टिल गुड वैल्यूज इन टू बॉयज़.